सरकार की तरफ से कोई भी यानी कि नुमाइंदा नहीं आया है। हमारे पास सरकार राजस्थान सरकार असंवेदनशील बनी हुई है। मैं उन्हें चेताना चाहता हूं कि या तो आप जल्दी ही हमारी मांगों को मान लें, नहीं तो अन्यथा बांदीकुई की जनता जाग चुकी है और आप बांदीकुई को जिला बना के ही माने। अभी जिस तरीके से आपका एक साथी अनशनकारी है, उसकी तबीयत बिगड़ चुकी है, आप भी अपने आप को ऐसा ही महसूस कर रहे हो, किस तरीके का जनता का सहयोग मिल रहा है आपको? जनता का भरपूर सहयोग मिल रहा है और जनता के सहयोग के कारण मेरे अंदर एनर्जी आ रही है। मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे क्रांति आने वाली है। मैं राजस्थान सरकार को चेताना चाहता हूँ कि फिर अगर जनता एक बार जाग उठी, ये वही बांदीकुई है जो 21वीं सदी का पहला कर्फ्यू लगा दिया था। याद कीजिए, आप चेतन सोनी हत्याकांड को देख लीजिए, अगर बांदीकुई की जनता जाग गई तो वही हालात हो जाएंगे। मैं फिर राजस्थान सरकार से कह रहा हूँ कि मैं महात्मा गांधी के आदर्शों को मानता हूँ, इसलिए मैं ये अहिंसात्मक रूप से ये आंदोलन चला रहा हूँ। और मैं सुरेश आसीवाल आपके यहाँ के स्थानीय विधायक को भी आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, अगर आप बांदीकुई की जनता के सच्चे हितैषी हैं तो जल्द से जल्द बांदीकुई को जिला घोषित कराने की कोशिश करें, अन्यथा आप अपना इस्तीफा देके और धरने पे आ जाइए।